साथियों, आजादी के 75वें साल में हम एक नए भारत के निर्माण के नए लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस अमृत अभियान का नेतृत्व हमारी युवा पीढ़ी को ही करना है। आज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से लेकर हेल्थ सेक्टर तक, एआई और एआर से लेकर ऑटोमोबाइल और ईवी तक, क्वांटम कंप्यूटिंग से लेकर मशीन लर्निंग तक, हर फील्ड में नए मौके बन रहे हैं। देश में जियो स्पेशल सिस्टम्स, ड्रोन से लेकर के सेमीकंडक्टर और स्पेस टेक्नोलॉजी तक लगातार रिफॉर्म्स हो रहे हैं। ये रिफॉर्म्स सरकार का रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं है, ये रिफॉर्म्स आपके लिए अवसर लेकर के आए हैं। और ये मैं कह सकता हूं, ये रिफॉर्म्स आपके लिए हैं, नौजवानों के लिए हैं। आप चाहे टेक्निकल फील्ड में हो, मैनेजमेंट फील्ड में हो या मेडिकल फील्ड में, मैं समझता हूं ये जो सारी अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज देश में जो सरकार है वो देश के युवाओं के सामर्थ्य पर, आपके सामर्थ्य पर भरोसा करती है। इसलिए हम एक के बाद एक अनेक सेक्टर्स को आपके लिए खोलते जा रहे हैं। इन अवसरों का खूब फायदा आप उठाइए, इंतजार मत कीजिए। आप अपने स्टार्टअप शुरू करिए, देश की जो चुनौतियां हैं, जो लोकल समस्याएं हैं, उनके समाधान यूनिवर्सिटीज से निकलने चाहिए, नौजवानों के दिमाग से निकलने चाहिए। आप ये हमेशा याद रखिए कि आप चाहे जिस किसी फील्ड में हो, जिस तरह आप अपने कैरियर के लिए गोल सेट करते हैं, उसी तरह आपके कुछ गोल्स देश के लिए भी होने चाहिए। अगर आप टेक्निकल फील्ड से हैं तो आपके इनोवेशंस, आपका काम कैसे देश के काम आ सकता है? क्या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं जिससे गांव के किसान को हेल्प मिले, रिमोट एरियाज में स्टूडेंट्स को कुछ मदद हो सके? इसी तरह अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे गांवों में क्वालिटी हेल्थ सर्विस उपलब्ध हो, इसके लिए आप टेक फ्रेंड्स के साथ मिलकर नए स्टार्टअप प्लान कर सकते हैं। आरोग्य धाम जैसे जिस विजन का सिंबोसाइज ने शुरू किया है, ये भी पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में काम आ सकता है। और जब मैं आरोग्य की बात कर रहा हूं तो आपसे ये भी कहूंगा कि अपनी फिटनेस का भी ध्यान जरूर रखिएगा। खूब हंसिए, अभी नहीं बात भाई, जॉक्स मारिए, खूब फिट रहिए और देश को नई ऊंचाई पर लेकर जाइए। हमारे गोल्स जब पर्सनल ग्रोथ से बढ़कर नेशनल ग्रोथ के साथ जुड़ जाते हैं तो राष्ट्र निर्माण में
स्वयं की भागीदारी का एहसास बढ़ जाता है।